मुझे लगता है अभी मेरे को स्नो स्टिक की ज़रूरत नहीं है, तो अपन इसको के रख देते हैं, जब लगेगा तो अपन इसको यूज़ कर लेंगे। और कोशिश करता हूँ मैं सारा सामान ना तरीके से पैक करने की, लेकिन वो एंड मोमेंट में कहीं ना कहीं मुझे जुगाड़ करना पड़ जाता है। कुछ सामान भूल जाता हूँ रखना तो वही गड़बड़ होती है, जैसे अभी मेरे को ये थर्मोशील वाली बॉटल, एक अपनी बास्केट और फ्लोटर्स रात के लिए, ये रखना भूल गया। अब वो मेरे को टेम्परेरी बाहर रखनी पड़ी है, बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कैंप करना है तो ये सामान तो झेलना पड़ेगा। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। तो अपन पहुंच तो गए हैं स्नो पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे सारी दुकानें लगी हुई थी तब तो पैक करके, वो लोग सारे ही निकल चुके हैं, टूरिस्ट भी जा चुका है, ये प्लेस खाली हो चुका है। अभी राइट साइड में एक ढाबा है थोड़ा सा ऊपर, शायद वहाँ पे ना इग्लू का काम चल रहा है, वो लोग भी इग्लू बनाते हैं, तो पता नहीं कितनी देर तक रहेंगे। लेकिन अभी अगर अपने को यहाँ कैंप करना है तो सबसे पहला टास्क हो गया हमारा कि हमें यहाँ से रास्ता बनाना पड़ेगा अपनी ट्रॉली को अंदर ले जाने के लिए, और एक दूसरा ऑप्शन ये कि सारा सामान खोलूँ और जो यहाँ पे टेबल्स रखे हैं उन पे ले जाके रख दो, फिर अपना धीरे धीरे करके प्रोसेस स्टार्ट करूँ। बाकी हमारे साथ में एक ये भाई साहब है, हेलो, और एक ये रहे, और उधर चल रहा है इग्लू बनाने का काम। मुझे संभल कर उतरना पड़ेगा क्योंकि स्नो हार्ड हो चुकी है, और अभी मैं आते टाइम ना मैं ही फिसल गया, बीच में इतना हार्ड स्नो हो रखा था। इस पॉइंट पे हवा इतनी तेज चल रही है ना, सीधा स्किन के अंदर घुस रही है। चलो अपनी स्नो ट्रे एक बारी में आ गई, बस बॉटल निकल के गिर गई थी, बॉटल उठा के लानी रह गई है। ओके, तो बैकग्राउंड में गाने चल गए, तो मैं थोड़ा सा म्यूजिक चला देता हूँ, आप एंजॉय करो। ओके, तो उनके गानों के साथ साथ अपना भी सरफेस ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको थोड़ा सा इक्वल करना रह गया है। नीचे की जो स्नो है ना वो हार्ड हो गया है, तो उसमें काफ़ी दम लग रहा है हटाने में। ऊपर की स्नो तो ऐसे ही पैर से हट जा रही है, लेकिन नीचे वाली स्नो बिल्कुल हार्ड है, तो उसमें टाइम लग रहा है। चलो, थकान भी हो गई है, इसको हटाते हटाते देखने में लगता है बस स्नो उठा के ऐसे कर देंगे, लेकिन जब रियल में करते हैं तो पता लगता है। हवा देख रहे हो कितनी तेज चल रही है, तरपाल नीचे ही नहीं आ रहा अपना, और इसको अब लगाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये टेंट मैं पहली बार लगा रहा हूँ, और मैंने इसका डेमो भी नहीं देखा कि इसको पिच कैसे करते हैं, और अब इसके अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं ना, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि इसको सेटअप कैसे करना है। अब इसका पहले मैं डेमो देख लेता हूँ, उसके बाद लगा, पता लग रहा है हाथ कहीं जुड़ गया, पैर कहीं जुड़ गया, सर कहीं जुड़ गया, कुछ और ही बन गया। सबसे पहले जो इसका टॉप है वो लगाते हैं।
टेंट को पहचानने के लिए मेरे को टेंट के अंदर घुसना पड़ा। देख रहे हो कभी कभी ऐसा फनी सीन भी हो जाता है अपने साथ में, बट कोई बात नहीं। सबसे पहले इसके अंदर डालते हैं इसकी स्टिक, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसका फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है। इसीलिए कहता हूँ कि अगर टेंट दिन में पिच हो जाए ना तो बहुत ईजी होता है। और इस टाइम पर लगभग अभी बजे हैं 7:30 और बैक साइड में चल रहे हैं गाने, तो जब तक वो लोग हैं गाने हैं मेरा टेंट लग जाए तो वो अपने लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो लोग नहीं होते तो सोचो मैं इस एरिया में अकेला था। अरे बाप रे, इसमें तो बहुत सारी स्टिक है, कौन सी किसकी है ये पहचानना मुश्किल है, लेकिन मार्क देखना पड़ेगा, मार्क होगा जरूर। तो इस वाली स्टिक पे रेड पॉइंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले रेड पॉइंट ढूंढते हैं कि टेंट के अंदर कहां पर है। तो इस वाले पॉइंट पे रेड दे रखा है, तो यहां पे स्टिक ये वाली जाएगी। और यहां पे ब्लैक पॉइंट दिया हुआ है, तो यहां पे मैं ये ब्लैक वाली स्टिक डाल रहा हूँ। अब बची है ये आखिरी स्टिक, ये जाएगी इधर। इन स्टिक की ना एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हम इसे आगे से छेड़ने लग जाते हैं ना तो बीच में से डिटैच हो जाती है और फिर उसको जॉइंट करना सोलो में बहुत मुश्किल पड़ता है। अभी देखो पूरा इधर खट्टा हो रखा है और ये बीच में से डिटैच हो गई है, अब इसको लगाना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, और खासकर उस पॉइंट पे जहाँ पे आपके और लेयरिंग्स जॉइंट हो रखी है। अब एक एक करके क्लिप अटैच करना स्टार्ट करते हैं ताकि एक बेसिक सेटअप रेडी हो जाए। तो विंड के साथ में इतना बड़ा टेंट खड़ा करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन कैंपिंग के मजे लेने हैं तो ये तो झेलना पड़ेगा ही अपने को। उप्स, ये हवा बहुत परेशान कर रही है, प्रेशर इतना है ना कि इसको दोनों हाथ से होल्ड करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए हवा बंद हो जाए तो मैं अपना टेंट खड़ा कर लूं यार। तो मैंने टेम्परेरी टेंट को यहाँ पे एक टेबल रखी हुई थी तो उसे बांधा है ताकि ये टिक्की और मैं पीछे वाली स्टिक लगा सकूं। तो बेसिक टेंट तो अपना लग गया है, अब इसको फिनिशिंग देना बाकी है, फिर इसके बाद अंदर का सेटअप चालू होगा। बड़े टेंट लगाने में कितना टाइम कंज्यूम होता है। आउटर वाली लेयरिंग तो सेट हो गई है जैसे तैसे करके, अब अंदर वाला भी सेटअप लगा लेते हैं। अब ये लास्ट लेयरिंग रह गई है, इसको भी बिछा लेते हैं। मेरे मुँह से वर्ड्स नहीं निकल रहे, मैं इतना थक गया उस टेंट को सेटअप करते करते, वो तो आपको अंदाजे ही लग रहा होगा। फाइनली अपना टेंट का सेटअप खड़ा हो गया, मतलब खड़ा हुआ है, जो फिनिशिंग आनी चाहिए थी ना वो नहीं आई है। एक्चुअली जितनी भी पैक्स मैं डाल रहा था स्नो के अंदर, अच्छे से ठोक कर डाल रहा था स्नो को ताकि उसके अंदर टिक जाए, लेकिन स्नो के अंदर पैक्स जा रहा है, उसके बाद जैसे ही विंड चल रही है वो पैक्स एज इट इज वापस आ जा रहा है, तो एक भी पैक्स नहीं टिक रहा था। वो तो जैसे तैसे करके फिर ये खड़ा कर लिया है, स्नो से मैंने चारों तरफ इसको दबा दिया है। जो इसका स्ट्रेस था ना, जो ये और खुल के बनता, मतलब बहुत बढ़िया सेटअप लगता है इसके अंदर, वो आज स्नो के अंदर सक्सेसफुली नहीं हो पाया। अभी बस टेंट खड़ा किया और मैं अंदर आया हूँ और थोड़ी देर आराम किया है। अब लग रही है बहुत ज़ोर से भूख, लेकिन मैं अभी ज़मीन पर बैठा हूँ तो ठंडा लग रहा है, तो फटाफट अपनी चेयर भी ओपन कर लेते हैं नीचे से जो ठंडा आ रहा है उससे बच सके। क्या आराम मिला है, और चेयर काफी कंफर्टेबल है, पूरी बैक को आराम मिल रहा है। और अभी टाइम हो गया है, अरे बाप रे 11:15 हो गए,
मुझे आइडिया नहीं है हम लोग किस टाइम पे यहाँ पहुँचे थे, तो जो मैंने टाइम बताया उस हिसाब से देख लो 11:15 है, अभी भी टेंट का सेटअप पूरा नहीं हुआ है, अपन बेसिक लगा के निपटे हैं। तो अभी मेरे को लग रही है बहुत ज़ोर से भूख, क्योंकि बाकी का सेटअप करने में बहुत टाइम जाने वाला है। तो एक काम करते हैं, क्विक छोटा सा मैगी वगैरह टाइप का कुछ खा लेते हैं, देन फिर बाकी का सेटअप कंटिन्यू करेंगे। फाइनली गैस चूल्हा चालू हुआ, मैं 5 मिनट बैठा हूँ बस, और 5 मिनट बैठने के बाद मुझे कपकपी छूटने लग गई थी, तो अभी गैस चूल्हा चालू कर लिया है, फटाफट से मैगी बनाते हैं। टेम्परेचर इतना डाउन है कि ढक्कन भी लॉक हो गया है, इसके अंदर तो पूरा पानी जम गया है, ये भी लॉक हो गया है, फुल पानी वाली मैगी बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं पिया है, इतने घंटे मैंने काम किया, बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है, वाटर बिल्कुल भी नहीं पिया, तो पानी वाली मैगी बनती है। ओके, तो अपनी मैगी बनके तैयार हो गई है और फटाफट खाते हैं। सॉरी मैं इसी के अंदर खा रहा हूँ क्योंकि बॉडी बिल्कुल थक चुकी है, फटाफट काम भी निपटाना है मुझे, तो चीयर्स। तो भैया पानी वाली मैगी खा के तो मज़ा आ गया, एकदम गर्मा गर्म माहौल हो गया, लेकिन प्यास लग रही बड़ी ज़ोर से, अपने पास पानी नहीं है, पहले करते पानी का जुगाड़, और पानी के लिए अपने को जाना पड़ेगा बाहर, और अभी बज रहे हैं 11:30 हो रहे हैं। मैंने सोचा था थोड़ी देर से मैं थोड़ा सा आगे जाके स्नो ले लेंगे पानी भरने के लिए, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है यहाँ पे कि बिना मास्क के खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक बार चारों तरफ नजर मार लेते हैं, कोई है तो नहीं। चलो स्नो लेके आते हैं। ये रही बाल्टी अपनी, इस बाल्टी को अनफोल्ड कर लेते हैं पहले। ओके, तो अनफोल्ड हो गई, चलो चलते हैं, अपना टेंट है वहाँ पे, और पूरा जंगल है। चलो जी अपन आ गए अंदर, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि अपना टेंट कैसे फैला हुआ है। आज तक मैंने आपको ना बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया तरीके से दिखाया, लेकिन ये मैं ना रॉ रख रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल में पता लगे कि अपन कितनी मेहनत करते हैं, और एक बड़े टेंट के पीछे सेटअप लगाने के पीछे कितनी मेहनत होती है। तो यहाँ से शुरू करते हैं एंट्री से। एंट्री के बाद देखो कैसे सामान फैला हुआ है, कितना गंदा हो रखा है। यहाँ अपनी चेयर, चेयर के ऊपर भी बैग, इधर सारा सामान फैला है, इधर गैस स्टोव, और अंदर वाला सेटअप, ये देखो कितना सामान फैला है। अभी ये सारा ना मेरे को नीट एंड क्लीन करके, मतलब पूरा घर टाइप का बनाना है ताकि अच्छी वाली फीलिंग आए। और हाथ में पकड़ा है पावर बैंक, क्योंकि अपनी जो लाइट है कैमरे वाली, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है ऑलरेडी, बहुत टाइम हो चुका मुझे ये काम करते हुए, तो ये सारी चीजें डिस्चार्ज होना बनता है। तो ये काम करते हैं, इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद आपको बाकी का सेटअप और आज डिनर में हम लोग क्या कुक करेंगे वो दिखाता हूँ, क्योंकि अभी भैया 12 बज गए, तो 12 बजे अपन हम बाकी का सेटअप स्टार्ट करें। तो सोचो हम लोग रिलैक्स कब करेंगे, एक्चुअली पता क्या, कैंपिंग का यही मजा है, सेटअप करो, परेशानी हो रही है उसको झेलो, तो मजा आता है ये एडवेंचर करने में। तो इससे अगले व्लॉग में आपको इस टेंट का ग्लिम्स अप दिखाता हूँ, डिनर में क्या बनाएंगे वो दिखाता हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो इसी बात पे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं इसी सेटअप के साथ, बढ़िया ग्लिम्स अप के साथ, टिल देन गुड बाय। Darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light.